दो बूढ़ियाँ। एक गांव में दो बहनें रहा करती थीं, बीना और मीना। दोनों की अक्सर लड़ाई होती रहती थी। एक ही घर में रहने के बावजूद वो अलग अलग खाना बनाती थीं। देखो दीदी, आप मुझसे बड़ी हो, इसीलिए मैं आपसे लड़ाई नहीं करना चाहती, पर आपको कुछ तो अपनी छोटी बहन की फिक्र होनी चाहिए। आज अगर मैं मंदिर की सीढ़ियों से गिर जाती तो क्या होता? क्या होता? तुम मर जाती, इसमें क्या है? एक दिन तो सभी को मरना है। कैसी बहन हो तुम? क्या सच में तुम्हें मेरी कोई परवाह नहीं? नहीं, यह सब तो तुम्हें मुझसे लड़ाई करने से पहले सोचना चाहिए। अगर तुम्हें अपनी बड़ी बहन की इज्जत करनी आती नहीं तो ये दिन तो देखना ही पड़ेगा। दोनों बहनों के घर से हमेशा लड़ाई की आवाजें आती रहती। ओहो, फिर से शुरू हो गई दोनों। इनमें तो बहनों वाली कोई बात ही नहीं। आज तक मैंने इन्हें प्यार से रहते नहीं देखा। नहीं, ऐसी बात नहीं है। पहले जब इनकी माँ जिंदा थी तब इनमें लड़ाई नहीं होती थी। काश इनमें वो पहले जैसा प्यार वापस आ जाए। एक दिन बीना ने खीर बनाई। वाह, क्या खुशबू है, इसे खाके तो मजा आ जाएगा। मेरे मन में तो पानी आ रहा है। पहले नहा लेती हूँ, फिर आराम से मजे से खीर खाऊंगी। अच्छा, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। लगता है आज दीदी ने खीर बनाई है, पर वो मुझे देगी नहीं। काश थोड़ी खीर खाने को मिल जाती। इतने में मीना देखती है कि बीना नहाने जा रही है। अच्छा, तो दीदी नहाने के लिए जा रही है। चलो जल्दी से थोड़ी खीर खा लेती हूँ, पता भी नहीं चलेगा। मीना जल्दी से रसोई में जाकर थोड़ी खीर चुरा कर खा लेती है। जब बीना वापस आती है, यह खीर कम कैसे हो गई? ओह, जरूर ये मीना का ही काम है। शर्म नहीं आती चुरा कर दूसरों की खीर खाते हुए? मीना, मीना, अरे ओ मीना, क्या हुआ, चिल्ला क्यों रही हो दीदी? मेरी खीर तूने चुराई क्या? नहीं चुराती तो क्या तुम खुद से मुझे खिलाती? तुम ऐसे नहीं मानोगी, तुम्हारी शिकायत करनी होगी। जाओ जाओ, जो करना है करो। बीना ने सरपंच से मीना की शिकायत की, पर कोई फायदा नहीं हुआ। मीना पर तो जैसे सरपंच की डांट का कोई असर ही नहीं था। फिर एक दिन, आज तो मेरा जन्मदिन है, कुछ अच्छा पकाती हूँ और थोड़ा गरीबों को भी खिला देती हूँ। बीना ने कई सारे पकवान बनाए जिनकी खुशबू मीना के नाक तक पहुंच गई। आज तो लगता है जन्मदिन मनाया जा रहा है। यह बुढ़िया मुझे खिलाएगी तो कुछ भी नहीं। चलो मैं ही इसे चिढ़ा देती हूँ। मीना बीना की रसोई के बाहर खड़ी हो जाती है। वाह, क्या स्वाद है। अरे वाह दीदी, जन्मदिन मुबारक हो। क्या खाना बनाया जा रहा है, मजा आ गया। बहुत ही अच्छा स्वाद आ रहा है सूंघने में तो। तुम्हारे खाने का तो जवाब ही नहीं। हे भगवान, यह बुढ़िया सठिया तो नहीं गई? मैंने तो इसे कुछ भी खाने को नहीं दिया, फिर इसे स्वाद का कैसे पता चला? क्या इसने सूंघकर स्वाद का पता लगाया? अब तो हद ही हो गई। अब मुझे राजा के पास इसकी शिकायत करनी होगी। जब तक इसे सजा नहीं मिलेगी तब तक ये नहीं सुधरेगी। बीना राजा के पास शिकायत लेकर पहुंची। क्या बात है माताजी? राजा जी की जय हो। न्याय कीजिए महाराज, मेरे साथ अन्याय हुआ है, आप मुझे न्याय दिलाइए। ओ, ये बात है, तो बुलाते हैं आपकी छोटी बहन को और सजा देते हैं। मीना को राज दरबार में बुलाया गया। मीना माताजी, आपकी शिकायत आई है कि आपने अपनी बहन का बनाया हुआ खाना सूंघ कर उसका स्वाद लिया है, क्या ये सच है? हाँ, यह बात तो सच है। तो फिर ठीक है, आपको इसकी सजा मिलेगी। बीना माताजी, आप इन्हें सजा देंगी। एक लाठी मंगाओ और बीना माताजी, आप उस लाठी से मीना माताजी की परछाई को 50 बार मारो। ठीक है। बीना ने लाठी से मीना की परछाई को मारना शुरू कर दिया। 1,
दो तीन चार, ऐसा करते करते वह उसे दस्तक मारती रही। बस हुजूर, मैं तो थक गई, पर इस मीना पर तो कोई असर नहीं हो रहा, यह तो हंस ही रही है। क्योंकि जो खाना आपने बनाया था उसकी खुशबू से इनकी सेहत भी तो नहीं बन पाई। अब आपके लाठी मारने से इनको भी कोई कष्ट नहीं हो रहा, यही तो न्याय है। बीना यह सुनकर शर्मिंदा हो गई, उसने अपना सर झुका लिया। आप दोनों इतनी बड़ी हैं और इतनी अच्छी भी, तो आपको इस तरह लड़ाई नहीं करनी चाहिए। आप यदि मिलजुल कर रहेंगी तो सब आपको सम्मान देंगे। मैं अपनी गलती समझ गई, अब से मैं अपनी प्यारी छोटी बहन को कभी परेशान नहीं करूंगी, और जो कुछ भी बनाऊंगी वो इसे जरूर खिलाऊंगी। बहन मुझे माफ कर दो। मुझे भी माफ कर दो दीदी, मैं अब से आपको कभी तंग नहीं करूंगी और आपकी सभी बातें मानूंगी। आपस में प्यार से रहने में ही समझदारी है।